लक बाय चांस एपिसोड 195 चाइनीज। निलेश को सबक सिखाने के बाद वरुण मुंबई वापस आता है और डिंपल के साथ एक डिनर डेट प्लान करता है, लेकिन जैसे ही उसे डिंपल के आज के इवेंट का ख्याल आता है, वो टीवी पर डिंपल को देखता है और उसकी हरकत से दंग रह जाता है। निलेश ने जिस इरादे के साथ वरुण को ट्रायल राउंड के लिए स्टेज पर बुलाया था, वरुण की शानदार जीत के साथ उसके इरादे पर पानी फिर गया था और वो अभी भी स्टेज पर खड़ा एक झूठी मुस्कान मुस्कुराता हुआ हेमंत के साथ बैठे वरुण को देख रहा था। इस वक्त वरुण निलेश के लिए किसी अजूबे से कम नहीं था और वो अब अपने बॉस क्रिस से नजरें मिलाने से बचता हुआ मन ही मन सोच रहा था, अब तो बॉस मेरी बैंड बजा देगा। कहां तो मैंने सोचा था कि इस मास्क पहने हुए नौसिखिए को हरा कर हेमंत सर को उनकी हार का स्वाद चखाऊंगा, यहाँ तो मुझे ही कड़वे घूंट पीने पड़ गए। अब क्या मुंह दिखाऊंगा मैं अपने दोस्तों को। ये सोचते हुए निलेश के चेहरे का रंग उतर गया था। वहीं अब वरुण हेमंत के टेबल के आसपास लोगों की भीड़ लग गई थी, जिसमें से ज्यादातर मीडिया वाले जो वरुण को रवि समझकर उसकी इस परफॉर्मेंस के बारे में सवाल कर रहे थे। रवि सर, आपको शेयर्स और स्टॉक का इतना नॉलेज क्या हेमंत सर से मिला है? आपके मास्क लगाकर चेहरा ढकने के पीछे क्या राज है? हेमंत सर, आपको अपने स्टूडेंट को इतना अच्छा परफॉर्म करते हुए देखकर कैसा लगा? सर, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं रवि का अंदाजा इतना सही कैसे निकला और बाकी के पार्टिसिपेंट से कहां गलती हुई? ये सवाल सुनकर हेमंत पहले थोड़ा मुस्कुराए और फिर सवाल पूछने वाली जर्नलिस्ट की आंखों में देखते हुए बोले, पहली बात तो ये कि आज आप सबके सामने रवि ने जो कुछ किया है वो उसका अंदाजा नहीं बल्कि उसका नॉलेज, एक्सपीरियंस और टैलेंट था जो उसने खुद और मेरे साथ रहते हुए सीखा। और दूसरी बात ये कि जो आपने सवाल पूछा कि बाकी के पार्टिसिपेंट से कहां गलती हुई है, तो उसका जवाब ये है कि जल्दबाजी में बाकी के पार्टिसिपेंट्स ये भूल गए कि शेयर्स के फ्यूचर का अंदाजा लगाने से पहले उसके पिछले परफॉर्मेंस को स्टडी करना पड़ता है, और यही अंतर है मेरे असिस्टेंट रवि और बाकी के पार्टिसिपेंट्स में। अब अगर आप हमें इजाजत दे तो हम यहाँ से चलना चाहेंगे। इसके बाद हेमंत और वरुण उठकर हॉल के दरवाजे की तरफ जाते हैं और वहां से बाहर अपने कार तक पहुंचने से पहले कई सारे लोगों से मिलते हुए बाहर जाते हैं। इवेंट हॉल में आते हुए भले ही किसी ने वरुण को नोटिस नहीं किया था, लेकिन वहां से बाहर निकलते हुए वरुण ने सबको बता दिया था कि हेमंत का स्टूडेंट होने का क्या मतलब होता है। भले हेमंत ने वरुण को बहुत कुछ नहीं सिखाया था, लेकिन फिर भी उनकी मौजूदगी ने अनजाने में वरुण को बहुत से पाठ पढ़ाए थे। इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज चैंपियनशिप के वेन्यू से बाहर आने के बाद वरुण ने हेमंत के साथ अपनी कार का इंतजार करते हुए कहा, इतनी सुबह नींद से उठकर लेकर आए थे, कम से कम यहाँ से लंच करके तो चलते हैं। कितनी अच्छी डिशेस बनी थी, खाना तो दूर सूंघने को भी नहीं मिला। वरुण अभी ये बोल ही रहा होता है कि तभी उनकी कार आकर वहां रुकती है और हेमंत कार में बैठते हुए वरुण से कहते हैं, खाना तुम क्या मास्क पहनकर ही खाते? और अगर मास्क उतार देते तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें वरुण सिंघानिया को पहचानने के बाद वहां के लोग तुम्हें चैन से खाना खाने भी देते? हेमंत की बात में दम था, इसलिए आगे वरुण उनसे कुछ नहीं कह पाता और चुपचाप कार में बैठ जाता है। वहां से निकलकर हेमंत वरुण को अपने साथ और भी कई जगह लेकर गए जहां वरुण को किसी ने नहीं पहचाना, और आखिरकार थक हार कर वरुण जब अपने होटल के कमरे में पहुंचता है तो बिस्तर पर गिरते ही नींद की आगोश में पहुंच गया। अगली सुबह भी वरुण हेमंत के साथ बैंगलोर में ही घूमता रहा और दोपहर में जब मुंबई वापस जाने के लिए फ्लाइट में बैठा तो एक बार फिर उसे उन ख्यालों ने घेर लिया जिन्हें वो बैंगलोर आने के बाद भूलने में लगा हुआ था। बार बार रिद्धि और उसके बीच के नजदीकी उसे याद आ रही थी और वो ना चाहते हुए भी महसूस कर रहा था कि उसने डिंपल के साथ कुछ गलत किया है। बहुत सोचने के बाद वरुण ने डिसाइड किया कि वो मुंबई पहुंचने के बाद सबसे पहले डिंपल से मिलेगा और उसे सब कुछ सच सच बताकर अपने दिल से ये बोझ उतार देगा, फिर डिंपल उसे जो भी सजा देगी उसे खुशी खुशी काटेगा। वरुण को मुंबई पहुंचते हुए शाम हो गई और हेमंत को उनके होटल में छोड़ने के बाद वो अपने फ्लैट में पहुंचा, क्योंकि उसने सोचा था कि आज भी वो यही डिंपल के लिए एक रोमांटिक डेट प्लान करेगा। दूसरे शहर से आने के बाद भी आज वरुण काफी फुर्तीला लग रहा था, इसीलिए वो अपना बैग अपने फ्लैट में रखकर शॉपिंग के लिए निकल पड़ा। जहां वरुण आज डिंपल से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था, वहीं दूसरी तरफ डिंपल का दिन भी आज कुछ कम एक्साइटिंग नहीं था। डिंपल इस वक्त अपने कास्टिंग एजेंसी के बिल्डिंग के एक ग्रीन रूम में बैठी मेकअप करवा रही थी
और उसके साथ ही प्रियंका, निधि और टीना भी अपनी अपनी ड्रेसेस पहन रही थी और साथ ही साथ डिंपल को देखकर आपस में कुछ इशारेबाजी भी कर रही थी। आज का ये दिन डिंपल की जिंदगी के सबसे बड़े दिनों में से एक होने वाला था, क्योंकि वो पहली बार कोई डिजाइनर ड्रेस पहनकर रेड कार्पेट पे चलने वाली थी, इसीलिए वो थोड़ी नर्वस भी थी। नर्वसनेस के कारण डिंपल बार बार पानी पी रही थी, जिसकी वजह से वो अब तक कई बार वॉशरूम जा चुकी थी। आज शाम पहनी जा रही डिंपल की ड्रेस काफी लंबी और भारी थी, जिसे पहनने से पहले डिंपल ने एक बार फिर वॉशरूम जाना ठीक समझा और वो जैसे ही वहां से गई, निधि, प्रियंका और टीना ने अपना आज का प्लान डिस्कस करना शुरू कर दिया। डिंपल को मीडिया के सामने जलील करने की सारी प्लानिंग प्रियंका की थी, इसीलिए टीना ने एक्साइटेड होते हुए उससे पूछा, पक्का तुम ये अकेले कर लोगी ना? अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए होगी तो हम तुम्हारे पीछे वाली कार में ही होंगे। टीना की ये बात सुनकर प्रियंका उसे घूर कर देखती हुई कहती है, ये प्लान मेरा है और मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे क्या करना है, तो तुम शांत रहो। और उन दोनों की ये बहस सुनने के बाद निधि अपने सामने शीशे में देखकर अपनी लिपस्टिक को और डार्क करती हुई कहती है, अगर आज पूरी दुनिया के सामने हमने इस लड़की का मुंह नहीं बंद किया तो वो दिन दूर नहीं जब हमें बाकी सबके साथ इसके भी ऑर्डर्स सुनने पड़ेंगे और आते जाते इसे हेलो हाय करना पड़ेगा। निधि अभी ये बोल ही रही होती है कि उसे वॉशरूम का दरवाजा खुलने की आवाज आती है और वो अचानक चुप हो जाती है। डिंपल बाहर आती है और वहाँ बैठी तीनों लड़कियों को घूर कर देखती है, जिससे कि वो घबरा जाती है, कहीं डिंपल ने उन लोगों की बातें सुन तो नहीं ली। खुद को इस तरह घूरता हुआ देखकर टीना तपाक से डिंपल से कहती है, अब ऐसे क्यों घूर रही हो? कोई काला जादू करना चाहती हो क्या हम पर, जिससे कि हम रेड कार्पेट तक ना पहुंच पाए? टीना का ताना सुनकर डिंपल अपनी पलकें नीचे कर लेती है और दरवाजे के बाहर खड़ी अटेंडेंट को अपने स्टाइलिस्ट को बुलाकर लाने के लिए कहती है, जहां डिंपल इस बात से अनजान थी कि आज की उसकी शाम उसकी सोच से परे होने वाली है, वहीं दूसरी तरफ वरुण डिंपल के बारे में सोचता हुआ अब शॉपिंग से वापस आ चुका था और कैरी बैग से सामान निकालता हुआ खुद से बड़बड़ा रहा था, डिंपल को चाइनीज बहुत पसंद है और पिछली बार उसने मुझसे अपने साथ खाने चलने के लिए भी कहा और मैं नहीं जा पाया था, इसीलिए आज तो उसकी पसंद का चाइनीज ही बनेगा, पर मैंने तो कितने दिनों से खाना बनाने के लिए किचन में पैर भी नहीं रखा है। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो डिंपल मुझसे इम्प्रेस होने के बजाय डिप्रेस हो जाएगी। क्या करूं, बाहर से ऑर्डर कर लूं क्या? एक काम करता हूं, सामान तो सारा ले ही आया हूं, तो एक बार ट्राई करके देख लेता हूं, अगर अच्छा नहीं बना तो ऑर्डर कर लूंगा। ये सोचकर वरुण सारा सामान निकालकर किचन के प्लेटफॉर्म पर रखता है और कपड़े चेंज करने चला जाता है। वरुण ने पहले एक शेफ की ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन वेटर की नौकरी करते हुए उसने शहर के काफी अच्छे और बड़े रेस्टोरेंट के शेफ्स को किचन में काम करते हुए देखा था और उस हिसाब से उसे काफी कुछ पता था। वरुण अपने कपड़े चेंज करने के बाद जब वापस आया तो उसने किचन का काम शुरू करने से पहले घर को उन कैंडल से डेकोरेट करने के बारे में सोचा जो वो आज ही मार्केट से लेकर आया था, ताकि खाना बनाने के बाद डिंपल के आने पर बस कैंडल्स जलाना ही रह जाए। मुंबई लौटने के बाद वरुण ने कई बार डिंपल को कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही थी। डिंपल के वरुण का फोन ना उठाने के पीछे दो कारण थे, पहला तो ये कि वो आज के इवेंट के लिए तैयार होने में बिजी थी और दूसरा ये कि वो वरुण से बदला ले रही थी। बैंगलोर जाने के बाद वरुण ने डिंपल के एक भी मैसेज या कॉल का जवाब नहीं दिया था, इसीलिए फिलहाल फोन हाथ में होते हुए भी वो वरुण के कॉल्स का जवाब नहीं दे रही थी। जल्द ही वरुण ने अपने फ्लैट के लिविंग रूम से लेकर बेडरूम तक को कैंडल से सजा दिया, लेकिन इससे पहले कि वो खाना बनाना शुरू करता उसने टीवी ऑन कर लिया, क्योंकि घर में पसरा सन्नाटा उसे कुछ खास भा नहीं रहा था। टीवी पर वरुण ने बिना कुछ सोचे समझे फैशन चैनल लगा दिया और किचन में अपना काम करने लग गया। अपना काम करते हुए वरुण को फोन पर एक रिमाइंडर आने की आवाज आती है और जब वो फोन में देखता है तो पाता है कि आज कास्टवेल एजेंसी की 25वीं सालगिरह है और उसे एक वीआईपी मेहमान के तौर पर वहां बुलाया गया है। उदित ने वरुण को इस इवेंट के लिए उसे स्पेशली कॉल भी किया था, लेकिन रिद्धि और बैंगलोर के चक्कर में वो सब कुछ भूल गया था और अब जब वो डिंपल के साथ अपने घर पर डेट प्लान कर रहा था तो उसका उस इवेंट में जाने का सवाल ही नहीं उठता था। वरुण अपने फोन में आए रिमाइंडर को नजरअंदाज करके वापस अपने काम में लग जाता है, लेकिन तभी उसका सब्जी काटता हुआ हाथ अचानक रुक जाता है और वो ऊपर देखकर कुछ सोचता हुआ खुद से कहता है, अब
अगर कास्टवेल एजेंसी का कोई इवेंट है तो डिंपल भी तो वहां गई होगी। ओह, तो इसीलिए मैडम अपना फोन नहीं उठा रही है। लेकिन अगर वो वहां जाने वाली थी तो उसने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? मैं जाता उसके साथ। फिर वरुण को याद आता है कि पिछले कुछ दिनों से उसने डिंपल से बात करना तो दूर, उसके फोन कॉल्स का भी जवाब नहीं दिया है। ये सोचकर वरुण एक बार फिर डिंपल को कॉल करने के लिए अपना फोन उठाता है कि तभी उसकी नजर अपने सामने लिविंग रूम में चल रहे टीवी पर पड़ती है और वो देखता है कि आज के इवेंट का ही लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। वरुण देखता है कि इस वक्त एक मल्टी कलर ड्रेस पहने हुए डिंपल स्क्रीन पर नजर आ रही है, लेकिन वो रेड कारपेट पर चलने की बजाय मुस्कुराती हुई अपनी ड्रेस को नीचे से फाड़ रही है। क्या है डिंपल के अपने ही डिजाइनर ड्रेस को फाड़ने की वजह और क्या होगा वरुण का रिएक्शन उसकी इस हरकत पर, जानने के लिए सुनिए लक बाय चांस का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।